पिछले 10 साल के सूखे को समाप्त करने उतरे भारत के इरादों पर हेड और लेबुशेन ने पानी फेर दिया। भारत ने साल 2013 में चैंपियंस ट्रॉफी जीता था। इसके बाद कोई भी बड़ा आईसीसी खिताब अपने नाम नहीं किया। 11 वयस्कों को मैदान पर आने और खेल बिगाड़ने से रोक नहीं पाए। यह 11 वयस्कों से मतलब है टीम ऑस्ट्रेलिया से, जिसने भारत का खेल बिगाड़ दिया। ये हम नहीं कह रहे हैं, ये कह रहा है वो देश जिसके घर में खुद खाने के लाले पड़े हैं, पाकिस्तान। वो शायद ये भूल गए हैं कि पाकिस्तान क्रिकेट टीम का वर्ल्ड कप टूर्नामेंट में क्या स्तर रहा है। ये वो टीम है जिसके कप्तान ने वर्ल्ड कप के मैच में हार के बाद कप्तानी छोड़ दी थी और फिर सब नए कप्तान को ढूंढने निकल गए थे। पाकिस्तानी अखबार डॉन ने क्रिकेट विश्व कप में ऑस्ट्रेलिया के हाथों मिली हार पर यह भी लिखा कि हेड ने भारत का दिल तोड़ दिया। कामरान अब्बासी ने अपने इस रिपोर्ट में वर्ल्ड कप 2023 के फाइनल मुकाबले विशाल नरेंद्र मोदी स्टेडियम, भारतीय प्रशंसकों के जनसैलाब समेत पूरे वर्ल्ड कप टूर्नामेंट पर टिप्पणी की है। वर्ल्ड कप 2023 के फाइनल मैच में ऑस्ट्रेलिया ने भारत को हरा दिया। टूर्नामेंट में अब तक आगे रहने वाले भारत को विदेशी मीडिया ने बहुत कुछ छापा है भारत के लिए। पाकिस्तानी अखबार ने जो कहा वो तो हमने आपको बता ही दिया है, लेकिन साथ ही विदेशी अखबार द गार्जियन, एपी और ऑस्ट्रेलियाई मीडिया ने भारत के लिए बहुत कुछ लिखा है। ऑस्ट्रेलियाई मीडिया ने कप्तान पेट कमिंस की खूब तारीफ की है। पेट कमिंस ने मैच से पहले हुई प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा था कि वो फाइनल मुकाबले के दौरान स्टेडियम की भीड़ को शांत होते देखना चाहते हैं। उन्होंने कहा था कि नरेंद्र मोदी स्टेडियम की भीड़ एक तरफा होगी, ऐसे में इतनी भीड़ को चुप देखना सुकून भरा होगा। कमिंस ने कहा था कि ऑस्ट्रेलिया की टीम का यही प्रयास रहेगा और हुआ भी ऐसा ही कुछ। ऑस्ट्रेलियाई मीडिया ने भारतीय प्रशंसकों के व्यवहार की आलोचना की है। ऑस्ट्रेलियाई अखबार द क्रॉनिकल ने लिखा कि जिस समय ऑस्ट्रेलियाई टीम ट्रॉफी के साथ जश्न मना रही थी, उस समय भारतीय खिलाड़ियों पर रूखा बर्ताव करने के आरोप लगे हैं। हालांकि इस बड़ी उपलब्धि के स्तर पर ऑस्ट्रेलियाई कप्तान पेट कमिंस और उनकी टीम को एहसास नहीं हुआ होगा, क्योंकि उन्हें 1,30,000 की क्षमता वाले मगर खाली स्टेडियम में ट्रॉफी सौंपी गई। और ध्यान देने वाली बात यह है कि जिस समय मैदान पर ऑस्ट्रेलियाई को ट्रॉफी सौंपी गई, उस समय भारतीय टीम कहीं नजर नहीं आ रही थी। खेल के दौरान भारतीय खिलाड़ियों की बेरुखी को नजरअंदाज भी किया जा सकता है, क्योंकि ये समझा जा सकता है कि उन पर भावनाएं हावी हो गई होंगी, लेकिन इसका मतलब ये भी नहीं कि यह व्यवहार खेल भावना के खिलाफ नहीं था। क्रिकेट वर्ल्ड कप में ऑस्ट्रेलिया के हाथों भारत को मिली हार पर एपी यानी कि एसोसिएट एजेंसी ने लिखा कि घरेलू पिच पर भारत का दबदबा खत्म हो गया है। विराट कोहली ने इंडियन टोपी से अपना चेहरा ढका हुआ था, रोहित शर्मा सिर झुकाकर चले गए। ऐसा महसूस हुआ कि भारतीय नीले रंग में डूबे हुए दर्शकों की क्षमता वाले नरेंद्र मोदी स्टेडियम में एकमात्र जयकार मैदान पर उत्साहित ऑस्ट्रेलियाई खिलाड़ियों की ही थी, बाकी सब शांत थे। ऑस्ट्रेलियाई अखबार हेरल्ड सन ने लिखा कि रिकी पोंटिंग ने टेक्निकल पिच बैकफायर के लिए भारत को बेनकाब किया। इसमें अखबार ने पूर्व ऑस्ट्रेलियाई कप्तान रिकी पोंटिंग की बहुत टिप्पणी छापी है, जिसमें उन्होंने पिच को लेकर भारत की रणनीति पर सवाल उठाए हैं। पोंटिंग ने कहा है कि जो पिच तैयार की गई थी वो भारत के लिए बैकफायर कर गई। विश्व कप फाइनल उसी पिच पर खेला गया जिस पर भारत ने लीग मैच में पाकिस्तान के खिलाफ खेले गए मैच में 7 विकेट से जीत हासिल की थी। अखबार ने पिच पर ऑस्ट्रेलियाई कप्तान पेट कमिंस के बयान को भी छापा है। कमिंस ने मैच के बाद कहा कि ये पिच उनके अनुमान के मुकाबले ज्यादा धीमी थी। इस पर उनके अनुमान के मुकाबले गेंद कम स्पिन हुई, लेकिन गेंदबाजों ने पिच के हिसाब से ढलकर सदी हुई गेंदबाजी की। वहीं अखबार ने पूर्व इंग्लिश क्रिकेटर माइकल वॉन की टिप्पणी को भी जगह दी, जिसमें उन्होंने कहा कि ऑस्ट्रेलियाई खिलाड़ियों ने भारत के मुकाबले पिच को अच्छे से पढ़ा। उन्होंने कहा कि रणनीतिक तौर पर ऑस्ट्रेलिया बहुत चतुर टीम है। ब्रिटिश अखबार द गार्डियन ने लिखा कि पेट कमिंस ने सभी सही फैसले किए, जबकि भारत का विश्व कप जीतने का सपना अधूरा रह गया। निर्णय, अगर आप सही निर्णय लेते हैं तो आप दूरदर्शी हैं, अगर गलत निर्णय लेते हैं तो मूर्ख इत्यादि अपमान की अंत सूची में से कोई एक बन जाएंगे। जब पेट कमिंस ने टॉस जीता तो ऑस्ट्रेलियाई समर्थकों ने जश्न मनाया होगा, लेकिन जब उन्होंने कुछ सेकंड बाद गेंदबाजी करने का फैसला किया तो उनमें से एक बड़े हिस्से ने निश्चित रूप से सोचा होगा कि वो पागल है।
लेकिन कमिंस अपने निर्णय पर खरे उतरे और उन्होंने अपनी टीम को इस निर्णय के सही साबित करने के लिए शानदार तरीके से लीड किया। खेल में सब निर्णय का ही खेल है। इस खबर में बस इतना ही, और इसी तरह और तमाम खबरों के लिए आप लगातार देखते रहिए।